हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, फाइनली हम लोग अपने हॉस्टल आ गए हैं। और देखिए हमारे रूम का क्या हाल हुआ है। इतनी धूल है यहाँ, इतनी धूल है कि ऐसा लग रहा है कि 4-5 कुंटल धूल ला के किसी ने नहीं छोड़ दी है। देखो मेरी रूममेट को बेचारी पानी भरने में परेशान है अपनी गृहस्थी सजाने में। चलो सफाई अभियान शुरू करो। देखो देखिए हालत ख़राब हो गई है पहले से। आते आते मेरा सीट क्या कहा है, वो है तेरा स्लीपर। चलो सुनसान कबाड़ खाने को अपना घर बनाते हैं हम लोग, सुनहरा जीवन व्यतीत करने के लिए। जीवन कितना सुनहरा होगा वो तो हमें ही पता है, पर फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। पहुंचते ही नौ की नौटंकी शुरू हो गई। कौन कौन रो के आया घर से ये बताओ पहले। मैं तो हंसते हंसते आए। मैं भी हंसते आए, बस ये रो के आए कि तुमको लगता है कि सब मैं नहीं अरे इट्स ओके, चलते हैं घर से, ज्यादा मजा तो यही। अच्छा, यही करने के लिए तुम लोगों को नहीं मिल रहा था, है ना, एक एक दूसरे के थाली में खाने का। मुझे बिना देख के चैन नहीं आ रहा था। सीमा को ये तो क्या बताएं। और ये तूने मेरे को न्यू ईयर फोन तक नहीं लगाया। न्यू ईयर में यार, न्यू ईयर कोरोना आ जाता, मैं इसकी सोची अभी ना बिजनेस का हां अरे दाल भात खाना है। हेलो, दाल भात खाना है? नहीं खाना है किसी को, तेरा खाना, मैं इसका खाना, सबको घर का खाना मिलता है। अरे पागल लड़की, हमको तो यहाँ ऐसे घुमाया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने अपना साइड वाला रूम खाली किया, उसको ठीक किया, और अभी हम लोगों को बोल रहे हैं कि तुम दोनों रूममेट्स को अलग अलग होना पड़ेगा। तो ये अभी ये रूम में ऐसे मुंह बना के रो रही है हमारे मतलब शरीर से आत्मा निकल गई है हम दोनों को अलग करके बहुत बड़ा पाप कर रही है मैडम। मम्मी हम लोगों को अलग अलग नहीं रहना यार, हम लोग वहां से एक साथ आए थे कि हम लोग एक साथ जाएंगे तो अलग अलग क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, बट नहीं, अलग अलग क्वारंटाइन होना पड़ेगा। पता नहीं किस जन्म का बदला है। वहां से मैडम ने हम लोगों को माँ बाप से भी छुड़वाया, अब हमारी रूममेट से भी छुड़वा रहा है। कितने पाप मैम करेगी इस जन्म में बताओ। एक्चुअली ये सारे पाप कोरोना कर रहा है, सारे पाप कोरोना के ऊपर जाएंगे पता नहीं। पर इतने पाप कर चुका पर वो मरा तो नहीं ना, पता नहीं कब मरेगा भी या नहीं। अब बेचारी कल तक दूसरा वाला साफ की, मैं कुछ नहीं की हूँ, दूसरे वाले भी झाड़ू पोछा की है, और आज उसको फिर से यहाँ सुटो ना तो यहाँ भी कर रही है। ऐसा नहीं है, मैंने भी कराया था। आपको रख दूंगी, मैं से वो रूम नहीं छोड़ा जाएगा। क्या बोल रही है? आप रहोगे इसमें मैं रहूंगी। अरे हम दोनों लोग इसी में रहेंगे, उनको बोल देंगे, फिर से बोल देंगे कि दीदी जी हम लोग आज ही आए हैं। देखो बैठ के रो रही है, हम लोगों की अच्छी खासी हंसती खासी जिंदगी में ग्रहण लग गया। नए नए नियम आते हैं यार हम लोगों को, ना ये रूम छोड़ने का मन है, ना एक दूसरे को छोड़ने का मन है। कहाँ से भटक के मर जाऊं।
बैठ के मातम मना रहे हैं कि कौन जाएगा स्कूल से। सब बोल रहे हैं वो वाले ब्लॉग को देख के लास्ट वाले कि क्यों रो रहे हो आप लोग, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी लड़कियां हैं, मनमाना था थोड़ी सी यहाँ आके, तो उससे बड़ा पहाड़ तो यहाँ टूट पड़ा कि अलग अलग होना पड़ेगा। देखो इसकी शक्ल देखो। अरे पागल शांत रहे, हम लोग कम से कम बगल बगल जा रहे हैं और लड़कियां तो इस दिशा से उस दिशा डायरेक्ट शिफ्ट हो रही हैं। वो तो भगवान के हाथ में था, दीदी के हाथ में नहीं था, नहीं तो वो भी कर देती। प्राची तो नहीं शिफ्ट करना यार। अरे इतनी टेंशन कहाँ ले रही है, बगल वाले रूम में आ जाइएगा। सोच लीजिएगा, मेरे को बगल वाले रूम में भी नहीं आना। सोच लीजिएगा, घूमने आए हैं, पिकनिक मनाने हैं। पिकनिक मनाने, हॉस्टल पिकनिक होता तो जिंदगी सुधर गई होती। लाइट भी नहीं है उसका, सोचिए लाइट का, बिना रात बिना सिंगल है, हम हक से सिंगल है, झाड़ू पोछा लेके खड़े हैं, सिंगल है। तुम लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्यों शिफ्ट हो रहे हो? कौन कौन शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे? जो जो क्या इसको देखो, तुम और मैं, तुम इस बेड पे, ये इस बेड पे, बिल्कुल। बताइए आप अपनी फीलिंग्स, बताइए आप कैसा लग रहा है। आपके मुंह से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप सैड हैं। घर से रोई हैं आप थोड़ा बहुत भी? अच्छा, रोना नहीं आता आपको, तो आपके लिए सैड की परिभाषा क्या है भैया? जब आपको रोना नहीं आता तो इसको घसीट के लाई गई है। लग रहा है कि लड़कियां, ये सब ऐसा लग रहा है काम वाली भाई है, काम वाली भाइयां बैठी हैं यहाँ पे। बाथरूम सब कुछ इतना गंदा है ना। ना जितना अंकिता, एक तो हम लोगों के रूम से बाहर निकाल दिया गया, तुम तो कम से कम इस रूम में तो रहने दो, इस रूम से भी बाहर निकालोगे? बनाना मना है हॉस्टल में। ओके अच्छा, नहीं हमारे यहाँ पाउडर बेलवेट नहीं, जिस पाउडर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। क्या समझ रही हो, तू क्या खा खा बनाई है, अच्छा समझ बनाऊं क्या? आई घर से है और इतना खुश हो एकदम से। हो गया, मेरे को आप लोग मिल गए ना, बस इतने घर में तो मैं और बोर हो रही थी सच में। टाइम में घर से लाई हुई चीजों को खत्म करने का भूख लग गई है, इन लोगों के चक्कर में कहते हैं इधर शिफ्ट करो उधर शिफ्ट करो। कैसे दिख रहा है देखो, कैसे छड़ना पड़ेगा। सोची खा पी लू, पेट पूजा कर लू, फिर अलग होंगे, फिर पता चला अलग होगी, भूख ही नहीं लगी तो घाटे का सौदा हो जाएगा। वहां से यहाँ अलग से रूल है क्या,
बोले तुम तीन दिन लोग एक साथ तीन लोग एक साथ से बैठे हो। हाँ तो मैं हमारी घुस जाऊंगी ना देखो हमें बिस्तर के नीचे आज हम बैठी रहेंगी आज ही रहेंगी अब ऐसे थोड़ी तो अच्छे करेंगे लाइट ऑन कर दीजिए तो बोल दीजिए खराब हो गई लाइट हम लोग दिखेंगे नहीं है मुझे तो अलमारी पूछेगी नहीं मैं पूछूंगी इस लड़की का नाम क्या है पूजा बिलारी है पर वैसे उसका नाम पूजा है ये आप लोगों को ब्लॉग में सबसे ज्यादा दिखने वाली है क्योंकि सबसे ज्यादा चिबिर चिबिर यही करती है हम लोगों की जो रोनी सकल थी उसमें ये खुशी इसी के कारण आई जब से ये आई तब से सब हंस रहे हैं और कैमरे के सामने भी पहली बार बैठी है इसे थोड़ी कम चबर चबर हो रही है वीडियो जाए फिर देखिएगा आप लोग भी थक जाओगे इसकी सब चबर चबर सुन के थोड़ी सी शर्म आ रही है इसको अभी बहुत ज्यादा थोड़ी सी बहुत ज्यादा वो भी नहीं दिख रहा बहुत ज्यादा दुखद सोचना के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हम लोग अलग हो गए हम दोनों का तलाक हो गया है हम लोग अभी तक एक रूम शेयर करते थे आज से हम लोग अलग अलग रूम शेयर करेंगे हम लोग डिवोर्स फाइल करने जा रहे हैं इस तरीके के लीगल काम सोशल मीडिया पे नहीं किए जा सकते हैं इसलिए ब्लॉग पॉइंट करते हैं फिर हम लोग अपने तलाक के पेपर पे साइन करते हैं कोई बात नहीं वाईफाई दे देना है दूसरे को संपर्क बना रहेगा सामने वाला ऑनलाइन है सो वॉचिंग दिस वीडियो गाइस बाय क्योंकि हम लोगों की बकवास आप लोग मत सुनो तो अच्छा पक जाओगे बाय